Hey guys, welcome back to my channel once again. तो friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो friends, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली ये वीडियो उधम सिंह नगर में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वैकेंसियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत निकली हुई हैं। 31 मार्च 2022 तक इसकी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल डेट है और जो ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से TM सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के थ्रू ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित हो रहे हैं, विभिन्न पोस्टों में हो रहे हैं। किन किन पोस्टों में हो रहे हैं हम आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी दिखाएंगे, सारा कुछ डिटेल हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ अपन तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं TNM। आप medicaljobs.tnmhr.com, ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक में जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बिफोर फॉर्म भरने से पहले आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। द पोस्ट आर टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर, द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेट इज, उसके अलावा ओनली इंडियन कैंडिडेट अप्लाई, उसके बाद नो इंटरिम क्रॉसपॉन्डेंट विल इंटरटेन। तो क्वालिफिकेशन सारा कुछ यहाँ पर ये इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है, इसको आपको भरना है। फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको कॉल या फिर कुछ करना है तो आप देख सकते हैं इनका जो है medicaljobs@tnmhr.com है, इसको आप कर सकते हैं। वर्किंग डेज 10 AM to 6 PM। अब हम इस पर जाते हैं। कंडीशन हमने पढ़ ली, उसके अलावा आप देख सकते हैं आपकी द क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया इज अपडेटेड ऑन 27/21, इट विल बी एप्लीकेबल टू प्रीवियसली अप्लाइड कैंडिडेट। ठीक है, अब इसमें देखिए उसके अलावा टीम मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, तो इन्होंने सारा कुछ अपनी खासियत बताई है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि द TNM सर्विसेज कंसल्टेंसी रिक्वायर्स टैलेंटेड कैंडिडेट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द प्रीवियस पोस्ट अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन कौन से हैं, सामने क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं ANM है, स्टाफ नर्स है, OT टेक्नीशियन है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसके अलावा ब्लड बैंक टेक्नीशियन, MOU आयुष स्टाफ नर्स, उसके अलावा फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स, DACI साइक्लो थर्स्ट, उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट और अर्ली इन्वेस्टमेंट्स कम एडुकेटर, DIC मैनेजर, स्टाफ नर्स एंड, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज कुल मिलाकर 27 रखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू वैकेंसीज एंड अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट पोस्ट, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किस हिसाब से अपनी पोस्ट आपको करनी है। मैं या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स जैसे सेलेक्ट कर दूंगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टाफ नर्स आएगा, नहीं तो आप इसको ऑल करेंगे तो सारी यहाँ पर डिटेल आएगी, डायरेक्ट यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर स्टाफ नर्स की करता हूँ, यहाँ पर मैंने अप्लाई नाउ पे कर दिया क्लिक, सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हमको भरना है, सॉफ्ट कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो मार्कशीट क्या क्या इसमें अपलोड होगी मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, फोटो सिग्नेचर अपडेटेड रिज्यूम हाई क्वालिफिकेशन मार्कशीट आधार कार्ड एम्प्लॉयर सैलरी सर्टिफिकेट इससे पहले हो या फिर एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके अलावा आप यहां से ऑन दी सक्सेसफुल ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन आप यहां से डायरेक्ट आपको SMS भी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, अदरवाइज यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक से। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हम कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक, हमने स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है तो आप ये देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर उन्होंने लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको 3 लोकेशन अगर आप चाहें तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं अल्मोड़ा दे दूँ, उसके बाद यहाँ पर बागेश्वर दे दूँ, यहाँ पर चमोली दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन का नाम, आधार नंबर और उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस किस स्टेट से हैं, ऑब्वियसली बात है हम उत्तराखंड से हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड ही दिखेंगे, उसके बाद जेंडर फिजिकली हैंडीकैप रिलीजन कास्ट कैटेगरी किसमें आते हैं, उसके बाद नेशनलिटी, फिर एड्रेस पिन कोड के साथ सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल भरना है। उसके अलावा कौन कौन से एग्जामिनेशन में आपने पास किया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से आपको इसमें फिल करना है। उसके अलावा आपके पास करंट CTC है तो ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको अपलोड इमेज करना है आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको सिग्नेचर, उसके बाद अपने रिज्यूम PDF में आपको
करना है अपलोड है। उसके अलावा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी है सारा कुछ यहाँ पर पीडीएफ में आएगा, फोटो और उसके अलावा अपलोड आधार कार्ड पैन कार्ड, देन आपको वर्क एक्सपीरियंस इसमें पीडीएफ में अपलोड करना है अगर आपके पास है तो। उसके अलावा डिस्क्राइब हाउ कैंडिडेट कंसिडर हिमसेल्फ बेस्ट सुटेबल फॉर दी पोस्ट, यहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल लिखनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेल यहाँ पर 250 वर्ड्स है तो इसमें आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है सबमिट में क्लिक, जैसे यहाँ पर आप इसको सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डेट आएगी जो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा जो कि आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आपको SMS और आपको ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगा। तो ये रही सारी डिटेल, तो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया कि किस पोस्ट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पहाड़ पर मिलती रहती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग मी।